बिस्मिल सी सीरम फॉर फेस विच इज़ गुड फॉर ऑल स्किन टाइप ऑयली ड्राई नॉर्मल एंड कॉम्बिनेशन सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप इट्स अ डी आर वाई विटामिन सी सीरम इट्स अ प्योर ऑर्गेनिक विटामिन सी सीरम नो हार्मफुल केमिकल नो प्रजर्वेटिव सो डी आर वाई विटामिन सी सीरम बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी सबसे पहले वो नोट कर लें एलोवेरा जेल एलोवेरा जेल हमने बाजार का लेना है प्लांट का नहीं लेना नेक्स्ट हमें नीड है रोज वाटर की यानी कि आर के गुलाब की नेक्स्ट हमें जरूरत होगी विटामिन ई ऑयल रोज ऑयल एंड ऑरेंज ऑयल सो अब आप इनका स्क्रीन शॉट ले लें ताकि विटामिन सी सीरम बनाते हुए कोई भी चीज़ मिस ना हो असलम एवरी वन एम जुनिशा फातमा होप यू गाइज डूइंग वेरी वेली इनशालाफेक्ट रिफाइन शुक्रद्लास गेट स्टार्टिड होम मेड वटामिन सी सिरम कैसे रेडी करना है ईच एंड एवरी आपके साथ शेयर करूंगी सो so, अब हम विटामिन सी सीरम बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें एक कांच का बाउल चाहिए और एक चाहिए टी स्पून मयर के लिए एंड नेक्स्ट हमें चाहिए ये तमाम चीज़ें जिसे हम विटामिन सी सीरम बनाएंगे सो मैंने बाउल को ओपन कर लिया सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी एलोवेरा जेल मैं यहाँ पर चिल्तन प्योर का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ मार्केट में इस तरह के भी एलोवेरा जेल होते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हो बट आपने प्लांट का जो हमारे घर में पौधा होता है एलोवेरा का यानी कि गुआरपाटा का आपने वो यूज़ नहीं करना मैं यहाँ टू टी एलोवेरा जेल के ऐड कर रही हूँ क्योंकि प्लांट का फ्रेश एलोवेरा होता है उसमें कोई प्रजर्वेटिव नहीं होते तो इसलिए हम उसको ज़्यादा दिन तक रिस्टोर करके नहीं रख सकते नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी कृषिकार के गुलाब ये इस तरह की बॉटल में भी अवेलेबल होता है सो पहले इसको अच्छे से हम चेक करेंगे एंड इसमें मैं ऐड करूँगी टू टीस्पून रोज़ वाटर यानी कि दो चाय का चम्मच अरके गुलाब अगर इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो तो आप इसमें मज़ीद भी अरके गुलाब ऐड कर सकते हो अब हमें नीड है विटामिन ई ऑयल की इसका मैं हाफ़ टी स्पून यूज़ करूँगी ये मेरे पास हिमानी का विटामिन ई ऑयल है ये देखें मैं जस्ट इसका हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ विटामिन ई ऑयल का सो so, नेक्स्ट हमें नीड होगी रोज ऑयल की मेरे पास हिमानिका रोज़ ऑयल है आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर लो आप रोज़ हीप ऑयल भी यूज़ कर सकते हो वन टी स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी यानी कि एक चाय का चम्मच मैं रोज़ ऑयल यूज़ करूँगी सो so, नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी औरेंज ऑयल ऑरेंज ऑयल का भी मैं वन टी स्पून यूज़ करूँगी जो कि इस सिरम का मेन पार्ट है वन टी स्पून औरेंज ऑयल यानी कि एक चाय का चम्मच मैंने इसमें औरेंज ऑयल ऐड कर दिया है अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ये देखें इसमें इस तरह के लम्स नहीं रहने चाहिए इसको इतना मिक्स करना है कि तमाम चीज़ें अच्छे से आपस में यकजा हो जाएँ एंड ये ऑप्शनल है मैं इसमें फ्यू ड्रॉप्स होबा ऑयल के ऐड कर रही हूँ आप चाहो तो ऐड कर सकते हो चाहो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे अगर आपके पास कोई छोटा सा हैंड बीटर है तो इस तरह का तो आप उससे कर लें ये देखें ये बिल्कुल मिक्स हो गया है और इस तरह की कोई भी आपके पास एक्स्ट्रा बॉटल हो उसमें आप इसको कन्वर्ट कर दें लुक लाइक दिस सो होम मेड विटामिन सी सीरम हो गया रेडी जो कि हमारी फेस के लिए बेहद बेनिफिशियल है सो डी आर वाई विटामिन सी सीरम ऑल स्किन टाइप के लिए बेस्ट वर्क करता है यूज़ करने से पहले आपने बॉटल को अच्छे से शेक करना है देन आपने यूज़ करना है बॉटल को ओपन करना है और इस तरीके से इसके पंप को प्रेस करना है और प्रोडक्ट को यूज़ करना है सो टू ड्रॉप्स ही हमारे फुल फेस के लिए सफिशेंट होते हैं ये नॉन ग्रीसी है और इसकी कंसिस्टेंसी वाटरी सी है टैपिंग मोशन में बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसको अपनी स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट करना है आप ग्लो चेक करें समटाइम ऐसा होता है कि प्रोडक्ट की हाई प्राइस की वजह से हम उसको बाय नहीं कर पाते सो so, मार्केट में वाटामिन सी श्रम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है आप इस तरीके से वाटामिन सी श्रम अपने घर पे रेडी कर सकते हो जो कि 100-200 में इजीली बन जाता है सबसे पहले आपने आप बॉटल को शेक करना है देन इसको यूज़ करना है विटामिन सी सीरम को आप अपनी मॉर्निंग स्किन केयर में भी ऐड कर सकते हो और नाइट स्किन केयर में भी ऐड कर सकते हो सबसे पहले आपने अपने फेस को वॉश करना है देन उसको ड्राई करना है एंड देन आपने ये सीरम यूज़ करना है अगर आप मॉर्निंग में ये सीरम यूज़ कर रहे हो तो इसके बाद आप कोई लोशन भी यूज़ कर सकते हो और कोई अपनी डे क्रीम भी यूज़ कर सकते हो और अगर आप नाइट में यूज़ कर रहे हो तो इसके बाद आप अपनी कोई नाइट क्रीम भी यूज़ कर सकते हो तो विटामिन सी सीरम बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ये हमारी स्किन से सन सनटेन को रिमूव करता है पिगमेंटेशन को रिमूव करता है डार्क स्पॉट को रिमूव करता है सो so, हमारी स्किन को एक हेल्दी ग्लो प्रोवाइड करता है हमारी स्किन को ब्राइट और वाइट बनाने में भी हेल्प करता है जिससे हमारी स्किन डे बाई डे ब्राइट और फेयर होना स्टार्ट हो जाती है होप यू गॉइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी सी यू फोन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर अल्लाह हाफिज़ डोंट फॉरगेट डू सब्सक्राइब माई चैनल लाइक एंड शेयर माई वीडियो